तो बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है 8th के सेकंड पार्ट में। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज़, अब आप देखिए बच्चों, अगर अपन देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो उसके रो या कॉलम के एलिमेंट जो हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या बना लो, ज़ीरो बना लो, ताकि आपको ओपन करने में बहुत आसानी पड़ेगी। ठीक है, पहले चल लिया अपन ने 1a a स्क्वायर, 1b b क्यूब, सॉरी 1a a क्यूब, 1c c क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अपन ने एक ऑपरेशन लगाया कॉलम 1, ठीक है, इज इक्वल टू, या कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, तो कॉलम 1 और कॉलम, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 में हमने क्या किया बच्चों, कॉलम 1 को माइनस कर दिया। तो देखिए क्या है इसका फ़ायदा हुआ हुआ, कॉलम 2 में आपने देखा कॉलम 1 को माइनस किया, तो 1 ए ए क्यूब, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं किया, दूसरे कॉलम में देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, 1 माइनस 1 सी माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1 ए ए क्यूब 0 बी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो गया 0, सी माइनस ए सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बच्चों अपन क्या करेंगे, अपने को अब ये क्लियरली दिख रहा है बच्चों, इस वाले कॉलम से हमें b माइनस ए कॉमन मिल रहा है, और इस वाले कॉलम से क्लियरली मुझे दिख रहा है बच्चों c माइनस ए कॉलम कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो अपन ने सेकेंड कॉलम से b माइनस ए कॉमन लिया, सेकेंड कॉलम से b माइनस ए कॉमन लिया, देखिए b माइनस ए सेकेंड कॉलम से कॉमन लिया, और थर्ड कॉलम से बच्चों c माइनस ए कॉलम लिया कॉमन लिया सॉरी। तो यहाँ पर क्या बच्चा देखिए, ए क्यू 0 1, और यहाँ बचा बच्चों बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ बचा 0 1 और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये आया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बच्चों हम ध्यान से देखें तो हम इसे रो के अलावा ओपन कर सकते हैं, रो के अलावा ओपन करेंगे तो देखिए बाकी दो एलिमेंट 0 हैं बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू डिटर्मिनेंट ओपन किया है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, दिस डायगनल माइनस दिस डायगनल, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, यही होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या, माइनस करेंगे तो वो जितने भी प्लस वाले साइन है सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। आपके पास आ गया बच्चों बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, अब देखिए बच्चों आपके पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए इसमें इसमें अगर हम देखेंगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा सी माइनस बी और एक बनेगा सी प्लस बी, और ये जो दूसरे वाले दो टर्म बचे इसमें देखिए अगर ए कॉमन ले लें तो भी सी माइनस बी बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ गया, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू, देखिए इन दोनों को एक साथ लिया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ लिया प्लस का ए सी माइनस ए बी एक साथ लिया। ठीक है, ये आ गया बच्चों b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस ए कॉमन ले लें तो सी माइनस बी, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा बच्चों, देखिए ये आ गया सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास, तो ये आ गया बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू, ध्यान से देखिए सी माइनस बी कॉमन ले लीजिए, सी माइनस बी अगर आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया बच्चों। तो ये आ गया बच्चों आपके पास बी माइनस ए
सी माइनस ए, सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, देखिए ए माइनस बी आपके पास क्या है, बी माइनस ए, माइनस कॉमन ले सकते हैं। बी माइनस सी आपके पास क्या है, सी माइनस बी, फिर सी माइनस ए, सी माइनस ए है आपके पास, और ए प्लस बी प्लस सी भी है। तो इन दोनों में से माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू, माइनस कॉमन लीजिए बच्चे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। वापस से बताते हैं बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन था, आपको प्रूव करना था दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। आपने क्या किया बेटा, आपने, मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रो के एलिमेंट हैं या कॉलम के एलिमेंट हैं उसको जीरो बना लो, ताकि जब हम डिटरमिनेंट ओपन करें तो हमारे पास कम से कम क्या हो, कैलकुलेशन करने के लिए। तो अपन ने देखा कि a माइनस बी बनाना है, c माइनस ए भी बनाना है, और जीरो बनाना है, तो किसी भी एक कॉलम को उठाओ आप। मैंने जैसे कि पहले कॉलम को दूसरे और तीसरे में माइनस कर दिया, किसी भी एक कॉलम को आप बचे हुए दो कॉलम्स में माइनस कर दो, ठीक है। और आपने माइनस किया तो ये आया आपके पास, यहाँ पे आया b माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ पे आया c क्यूब माइनस ए क्यूब। आपने यहाँ पे b माइनस ए कॉमन ले लिया, यहाँ पे c माइनस ए कॉमन ले लिया, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको प्रूव करना है, ये 9 कह रहा है बच्चों, प्रूव करना है आपको एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये प्रूफ करना है बच्चों आपको, ठीक। देखिए बच्चों अपन क्या करेंगे, अपने को ये प्रूफ करना है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों प्रॉपर्टीज़ लगानी है अपने को, तो प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तो अपन ने देखा बेटा हमें पहले फैक्टर क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए, दूसरा फैक्टर क्या चाहिए, वाई माइनस जेड चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, जेड माइनस एक्स चाहिए। तो आपने देखिए एक ऑपरेशन लगाया बच्चों, एक्स माइनस वाई कब मिलेगा, जब हम सेकेंड रो में फर्स्ट रो को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। रो वन में क्या किया अपन ने, रो टू माइनस रो वन कर दिया, ठीक है, या रो वन माइनस रो टू कर दिया, सॉरी रो वन माइनस रो टू, ठीक है। रो टू में आपने क्या किया बेटा, रो टू में आपने कर दिया रो टू माइनस रो थ्री, क्लियर है क्या बेटा। रो वन में रो टू को माइनस किया, रो वन में रो टू को माइनस किया, देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या देखिए वाई जेड माइनस जेड एक्स। रो टू में आपने क्या किया, रो थ्री को माइनस किया, देखिए वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और क्या आएगा बच्चों हमारे पास, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये आया बच्चों, ठीक है। अब आपको तीसरा फैक्टर जेड माइनस एक्स बनाना है, तो आप कर दीजिए बच्चों रो थ्री में रो वन माइनस कर दीजिए, रो थ्री में रो वन माइनस कर दिया, तो जेड माइनस एक्स, ठीक है,
जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या आ गया बच्चों, एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई माइनस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये चीज़ आ गई। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे x माइनस वाई फैक्टर देखिए निकलेगा, पूरी रो में निकलेगा, ध्यान से देखिए, x माइनस वाई ये रहा, इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा x माइनस वाई, एक बनेगा x प्लस वाई, जेड कॉमन ले लीजिए माइनस का, तो आपके पास देखिए बन रहा है बच्चों x माइनस वाई। ठीक है, पूरी रो से देखिए x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, दूसरी रो से देखिए बच्चों वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे माइनस का एक्स कॉमन ले लीजिए, वाई माइनस जेड। ठीक है, ये आ गया बच्चों जेड माइनस एक्स। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ये आ गया जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और माइनस का वाई कॉमन ले लीजिए तो जेड माइनस एक्स। देखिए बच्चों पहली वाली रो से एक्स माइनस वाई क्लियरली कॉमन दिख रहा है, दूसरी वाली रो से वाई माइनस जेड क्लियरली कॉमन दिख रहा है, तीसरी वाली रो से जेड माइनस एक्स क्लियरली कॉमन दिख रहा है। अपन ने ले लिया कॉमन, पहली रो से लिया एक्स माइनस वाई कॉमन, तो क्या है देखिए एक्स माइनस वाई, दूसरी रो से कॉमन लिया वाई माइनस जेड, तीसरी रो से कॉमन लिया जेड माइनस एक्स, ये कॉमन लिया बच्चों अपन ने। तो देखिए बच्चों क्या बचा हमारे पास, पहली रो में बचा वन एक्स प्लस वाई और माइनस का जेड, दूसरी रो में देखिए क्या बचा बच्चों वन, ठीक है वाई प्लस जेड और माइनस का एक्स, तीसरी रो में बचा बच्चों वन जेड प्लस एक्स एंड माइनस का वाई, ये बचा बेटा। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैंने तीसरा आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या करिए जीरो बना लीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, रो टू में रो वन को माइनस कर देंगे ताकि वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और आप इसी तरह बच्चों रो थ्री में भी रो वन को माइनस कर देंगे। ठीक है, रो थ्री में भी रो वन को माइनस कर देंगे। तो देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, रो वन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, रो वन एज इट इज लिख दीजिए। देखिए क्या बताया, रो टू में रो वन को माइनस करिए, वन माइनस वन क्या हो गया ज़ीरो, वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई क्या बचेगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा जेड माइनस एक्स। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने तो जेड माइनस एक्स। ठीक है, रो थ्री में रो वन माइनस कर रहे तो वन माइनस वन जीरो, जेड प्लस एक्स माइनस दिस, जेड माइनस वाई, दिस माइनस दिस, तो जेड माइनस वाई, ये आ गया बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा आपने क्या किया कि अब आपने बेटा इसके अलॉन्ग ओपन कर दिया इसको। ठीक है, इसके अलॉन्ग ओपन कर दिया तो ये तो जीरो हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या, जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या गड़बड़ किया अपन ने, रो वन में रो टू को माइनस किया है, रो टू में रो थ्री को माइनस किया है, रो थ्री में रो वन को माइनस किया है। ठीक है ना, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, तीनों रो में एक साथ हम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, अलग अलग ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, गड़बड़ कर दिया भाई, रो थ्री में रो वन को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, रो थ्री में रो वन माइनस नहीं कर पाएंगे, रो वन में रो टू को माइनस कर दिया, रो टू में रो थ्री को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, रो थ्री मेरा एज इट इज रहेगा, रो थ्री क्या है जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे भी यही रहेगा बच्चों, फिर दैट इज जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, आपके पास जो है बचा हुआ एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है, उसे आप ओपन कर दीजिएगा और डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिएगा सिंप्लीफाई करके। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहली वाली रो से मुझे x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, x माइनस वाई कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच्चों बचा हमारे पास 1 x प्लस वाई एंड माइनस जेड। दूसरी वाली रो से बच्चों y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है, देखिए क्या आया हमारे पास 1 y प्लस जेड एंड माइनस x। तीसरी वाली रो में देखिए क्या है बच्चों, जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। ठीक है बच्चों, अपन क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट रो में सॉरी एक्स माइनस वाई इसमें से कॉमन आया था, y माइनस जेड इसमें से कॉमन आया था, इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप फर्स्ट रो में सेकंड रो को माइनस कर दो। ठीक है, रो टू माइनस रो वन, ये क्या बच्चों आपने रो टू माइनस रो वन, तो देखिए आपके पास क्या है बच्चों, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड आपके पास पहले से ही था, ये हो गया बच्चों हमारे पास 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया बच्चों 0 वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज जेड माइनस एक्स प्लस जेड दैट इज जेड माइनस एक्स, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड रो से देखिए बच्चों जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स कॉमन लिया, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड 0 1 1 जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों। अब देखिए बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, अपन अब इससे इसको माइनस कर देते हैं ताकि एक और जीरो बन जाए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, कॉलम टू में कॉलम थ्री को माइनस कर देते हैं, या डायरेक्टली भी आप ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन ओपन ही कर देते हैं डायरेक्टली। चलिए ओपन कर देते हैं कॉलम के अलॉन्ग, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, कॉलम के अलॉन्ग ओपन किया बच्चों, देखिए 1 इंटू ये क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 और प्लस का जेड इंटू क्या आ गया बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, जेड का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर गया बच्चों, ये आ गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। थोड़ी बच्चों आज मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं उतनी एनर्जी से नहीं बोल पा रहा हूँ, सो थोड़ा सा आज कॉपरेट करना आप लोग, हाँ आज के लेक्चर में। तो ये आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये बच्चों देखिए आपका आर एच एस आ गया। ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया यहाँ पे, कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप तीनों में ऑपरेशन नहीं लगा सकते। देखो क्या होगा कि जब आप इस स्टेप में रो वन माइनस रो टू करोगे, ठीक है, तो आपने ऊपर वाले स्टेप में रो वन में रो टू माइनस किया, दूसरे में रो टू में रो थ्री माइनस कर दिया, तो दो तो नए स्टेप बन गए ना आपके पास, दो तो नए रो आ गए ना आपके पास। अब इस रो के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लगेगी ना, तीनों प्रॉपर्टी आप एक साथ, तीनों रो या तीनों कॉलम में आप एक साथ नहीं लगा सकते प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम दो रो या दो कॉलम में आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इरेज करता हूँ बच्चों, अगर बच्चों डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और वेरिएबल वाला आता है जेई मीन्स में, तो आप कोशिश करना कि एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 0 1 2, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना, डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब कभी जेई मीन्स में क्वेश्चन आता है जिसमें वेरिएबल्स पड़े हुए हैं एक्स वाई जेड ए बी सी लाइक दैट, ठीक है, उस केस में आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो एक्स वाई जेड की, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर मैच कर जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, 10 का पहला पार्ट, 10 का पहला पार्ट आ रहा है बच्चों हमारे पास। हमें प्रूव करना है एक्स प्लस फोर टू एक्स ठीक है, टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं बच्चों, LHS लिया अपन ने, LHS क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 4 2x प्लस 4 2x x प्लस 4 ये आया बच्चों हमारे पास। ठीक है, मैंने बताया था आपको। अच्छा एक ध्यान रखना, अगर आप रो के अलोंग ऑपरेशन लगा रहे हो तो सारे ऑपरेशन रो के अलोंग ही लगाना, अगर कॉलम के अलोंग ऑपरेशन लगा रहे हो तो सारे ऑपरेशन कॉलम के अलोंग ही लगाना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से रखना। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या चाहिए, 5x प्लस 4 चाहिए कि नहीं, 5x प्लस 4 फैक्टर में। 5x प्लस 4 कब बन रहा है, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4 ये बन रहा है 5x 4, 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4 क्या बन रहा है 5x प्लस 4, ये क्या बन रहा है 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4। तो मैंने रो वन में क्या किया, रो वन में ठीक है ऑपरेशन लगाया, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, मतलब ये दोनों तरफ से कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनको भी ऐड करेंगे तभी आप 5x प्लस 4 ही बन रहा है, और इस तरह ऐड कर रहे हैं तो कॉलम के अलॉन्ग भी आप एडिशन कर सकते हैं और रो के अलॉन्ग भी एडिशन कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया देखिए 5x प्लस 4 जब रो के अलॉन्ग आपने लगाया, ठीक है ना, रो वन में केवल चेंजेस किया, ठीक है, और क्या आ गया बच्चों 2x, फिर देखिए बच्चों रो वन में केवल चेंजेस किए, ये आ गया 5x प्लस 4, ये आ गया बच्चों x प्लस 4 इंटू 2x, सॉरी इंटू नहीं है, ये आ गया देखिए बच्चों रो के अलॉन्ग जब आपने ऐड किया होगा 5x प्लस 4 2x और x प्लस 4 ये आ गया बच्चों हमारे पास 5x प्लस 4। बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं, वन टू एक्स वन एक्स प्लस 4 2x वन टू एक्स प्लस 4 ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बच्चों रो के अलॉन्ग जब हमने 1 1 1 एलिमेंट बना लिया, फिर अब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 0 बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, रो वन में रो टू माइनस कर देते हैं, रो टू में रो वन माइनस कर देते हैं 0 हो जाएगा, रो थ्री में रो वन माइनस कर देते हैं 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि कॉलम के अलॉन्ग और रो के अलॉन्ग ओपन लगाया, ठीक है, रो के अलॉन्ग अगर लगाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर कॉलम टू में से कॉलम वन माइनस कर रहे, कॉलम थ्री में से कॉलम वन माइनस कर रहे। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, देखिए ये आ गया 5x प्लस 4 ठीक है, वन टू एक्स देखिए कॉलम टू में कॉलम वन माइनस करेंगे तो वन माइनस वन हो जाएगा 0, एक्स प्लस 4 में आप 2x माइनस करेंगे, एक्स प्लस 4 माइनस 2x, और 2x में आप 2x माइनस करेंगे 2x माइनस 2x। इसी तरह देखिए 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x, x प्लस 4 में आप माइनस करेंगे 2x को, देखिए बच्चों आपके पास आ गया 5x प्लस 4 ठीक है, और ये रो के एलिमेंट आ गया 1 0 0, ये आ गया 2x, ये आया बच्चों माइनस x प्लस 4 या 4 माइनस x, ये आ गया बच्चों 0, ये आ गया बच्चों 2x 0 4 माइनस एक्स ये आ गया बच्चों। ठीक है, रो के अलॉन्ग ओपन कर देते हैं बच्चों, रो के अलॉन्ग ओपन किया देखिए क्या आ रहा है 5x प्लस 4 ठीक है इंटू 1 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 0 यही आएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, ये सॉरी तो 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू आर एच एस हेंस फ्लूड। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन ने बच्चों अप्रोच कैसे किया, अपन ने देखा कि हमें लाना क्या है, 5x प्लस 4 लाना है और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लाना है। देखिए 5x प्लस 4 आएगा कैसे बच्चों, जब हम या तो रो के सारे एलिमेंट ऐड कर दें या तो कॉलम के सारे एलिमेंट ऐड कर दें। ठीक है, तो कॉलम ये हो गया, इनको ऐड करेंगे आप तब भी 5x प्लस 4 बन रहा है, इनको ऐड कर रहे हैं आप तो भी 5x प्लस 4 बन रहा है। तो या तो रो के अलॉन्ग एलिमेंट्स को ऐड कर दो या तो कॉलम के अलॉन्ग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इसके बाद प्रॉपर्टी लगा दिए। आप लोग बच्चों डाउट नहीं पूछ रहे, ठीक है ना, मैं डेली पे लगभग सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कोशिश करिए आप लोग भी कुछ खुद से कुछ करने की और डाउट पूछिए, ऐसे तो पूरा साल निकल जाएगा, आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर आप क्या करोगे। ठीक है, कोशिश करो खुद कुछ करने की, हो जाएगा धीरे धीरे से करोगे तो। इसी तरह सिमिलरली टेंथ का आप सेकेंड पार्ट कर लेंगे, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन वही है जैसा कि टेंथ का फर्स्ट पार्ट है। इलेवेंथ के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, इलेवेंथ का फर्स्ट पार्ट कह रहा है बच्चों प्रूव करो a माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। देखिए बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो पहले बात तो ये है कि जो रिजल्ट है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये देखो कि a प्लस बी प्लस सी बन कैसे कैसे रहा है। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, इन तीनों को ऐड करो, मतलब रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री कर रहे हैं अपन ना, तीनों को ऐड करेंगे टू ए माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस ए, टू बी माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस बी और प्लस सी आ रहा है ना a प्लस बी प्लस सी, तो एक फैक्टर क्लियरली दिख रहा है आपको, तो या तो कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2a ही है ना, देख लें मैं ज़रा, देख लूँ मैं ज़रा, 2a 2b 2b 2c 2c ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे कॉलम ऐड नहीं करेंगे अपन, कॉलम ऐड करने से काम नहीं चल रहा है, तो अपन को रो के अलॉन्ग एडिशन करना है। तो LHS लिया अपन ने, LHS क्या आ गया a माइनस बी माइनस सी। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, थोड़ा आप लोग कॉपरेट करना, आज उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, एक लेक्चर की बात है, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, आपने क्या किया बच्चों, रो वन में रो टू और रो थ्री को ऐड कर दिया, रो वन में रो टू और रो थ्री को ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, ऐड करेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, ये क्या बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, ये क्या बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, ये आ गया टू बी बी माइनस सी माइनस ए टू बी 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो से हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो से कॉमन दिख रहा है, कॉलम कॉमन ले लिया, 1 1 1। ठीक है, 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी, ये आ गया बच्चा हमारे पास। देखिए बच्चों, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए बच्चों अपन क्या सोच रहे हैं, कॉलम टू में कॉलम वन को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, कॉलम थ्री में कॉलम वन को माइनस करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा,
तो अपन ने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, सॉरी यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम टू इज इक्वल टू कॉलम टू माइनस कॉलम वन, कॉलम थ्री इज इक्वल टू कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन। ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही रहा, ये आ गया बच्चों देखिए वन टू बी टू सी, वन माइनस वन हो गया ज़ीरो, वन माइनस वन ये आ गया देखिए बच्चों बी माइनस सी माइनस ए, माइनस का टू बी, जब माइनस किया होगा आपने, टू सी माइनस टू सी हो जाएगा ज़ीरो, वन माइनस वन ये हो गया बच्चों ज़ीरो, टू बी माइनस टू बी हो गया ज़ीरो, और ये हो गया सी माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक, यहाँ से देखिए बच्चों क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन ज़ीरो ज़ीरो, टू बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी ज़ीरो, टू सी ज़ीरो माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक, अब बच्चों देखिए अगर माइनस में कॉमन ले लो तो ये माइनस ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों हमने इस रो से और सॉरी इस कॉलम से और इस कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हुआ माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास पहले से था, क्या आ गया हमारे पास वन टू बी टू सी ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन। ठीक है, अब हमने रो के अलावा डिटर्मिनेंट को ओपन कर दिया, ये देखिए बच्चों माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू पावर वन, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट को जब ओपन करेंगे आप तो देखिए वन इंटू वन इज वन माइनस ज़ीरो, बाकी दोनों एलिमेंट जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, वापस से देखते हैं बच्चों, अपने को इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव करो कि ये जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन रहा है, तो अपने को पहले ये सोचना है कि ये ए प्लस बी प्लस सी बन कैसे रहा है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि अगर टू बी इस देखो यहाँ माइनस का बी है, इसमें टू बी ऐड करेंगे तो प्लस का बी बन जाएगा, माइनस का सी है प्लस का, टू सी ऐड करेंगे तो प्लस का सी बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मुझे वही फील हुआ, तो मैंने क्या किया रो वन में रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री कर दिया। ठीक है, और इसके अलॉन्ग ही अपन ने एक पहले कॉमन ले लिया, फिर अपन ने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ बनाने के लिए इसमें इसको माइनस कर दिया, इसमें इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी सेकेंड कॉलम से भी और थर्ड कॉलम से भी कॉमन आ गया और वो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिमिलरली बच्चों इसका देखिए सेकेंड पार्ट है, बिल्कुल डिटो यही पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप करेंगे, सेकेंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री करेंगे आप तो टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड बन जाएंगे। ठीक है, तीनों टर्म तो कॉमन ले लीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चों हमें प्रूव करना है 1 x² x 1 x² 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 = 1 - x³ का होल स्क्वायर। ये चीज़ बेटा हमें प्रूव करनी है। अच्छा 1 - x³, अच्छा 1 - x³ देखिए होता क्या है, 1 - x³ के बच्चे दो फैक्टर होते हैं। देखिए अगर a³ - b³ मैं देखूँ तो इसके दो फैक्टर होंगे a - b (a²+b²+ab)। तो हमें यहाँ पे अगर 1 - x³ बनाना है तो हमें यहाँ पे दो फैक्टर चाहिए होंगे, एक 1 - x ही होगा, एक ही होगा 1 + x + x², ठीक है ना, ये चाहिए होगा। 1 + x + x² मुझे दिख रहा है कॉलम वन में कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड कर दो, या रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, रो वन में पहले तो ये लिख लेते हैं LHS क्या है हमारे पास, 1 x² x, ठीक है, x² 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 x1, ठीक है। अपन ने क्या किया, रो 1 + रो 2 + रो 3 कर दिया, रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया देखिए, 1 + x + x² 1 + x + x² 1 + x + x² या क्या x² 1 x x² 1, ये आ गया। पहली वाली रो से बच्चों हमने 1 + x + x² कॉमन ले लिया, कॉमन लिया। यहाँ बच्चा बच्चों देखिए 1 x² x, ठीक है, 1 1 x² 1 1 1 x1, ये बता बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें 0 बनाना है, ठीक है। हमने क्या किया, सेकंड में फर्स्ट को माइनस किया और थर्ड में फर्स्ट को माइनस किया, ठीक है। सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम माइनस किया और थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम माइनस किया, ये आ गया बच्चों हमारे पास 1 + x + x² ((2)। ठीक है, जब माइनस किया बच्चों अपन ने, जब फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम माइनस किया तो 1 - 1 = 0, ठीक है, x² - 1 x² - x, ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 - 1 = 0, x - x², ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1 - x, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, 1 + x + x² ((1, 0, 0) यह आ गया x² a² - b² के दो फैक्टर a - b ((a+b), x कॉमन ले लिए 1 - x। यहाँ पे देखिए बच्चों x कॉमन ले लीजिए x - 1, ठीक है, या माइनस का x कॉमन ले लेंगे आप तो 1 - x बन जाएगा, ठीक है, 1 - x बन गया और यहाँ पे भी 1 - x आ गया। बच्चों यहाँ पे देखिए आप सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से दोनों में 1 - x कॉमन ले सकते हो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से 1 - x कॉमन लिया तो आपके पास आ गया 1 - x² ((2)) 1 + x + x², ठीक है। आगे क्या बचा आपके पास, 1 x² x 0 1 + x - x 0 x 1, ठीक है। अब बच्चों अपन ने क्या किया, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर दिया, ये देखिए क्या आ गया 1 - x² ((2)) 1 + x + x², ठीक है, ये हो गया। सॉरी, जब आपने ओपन किया तो 1 - x² ((2))
सॉरी 1 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके अलावा ओपन किया बच्चों ने देखिए क्या 1 इंटू 1 प्लस x इंटू 1 विल बी 1 प्लस x माइनस माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास ओपन करने का, ठीक है। तो ये देखिए क्या बन गया बच्चों हमारे पास, ये बन गया 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर, यही लाना था हमें, ठीक है। देखिए a³ - b³ के 2 फैक्टर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा। तो वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 था, हमें ये था ये प्रूव करना था। अपन ने देखा 1 - x³ के 2 फैक्टर होंगे, 1 - x इंटू 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर, a³ - b³ के 2 फैक्टर होते हैं a - b, a² + b² + ab, ठीक है। अपन ने क्या किया बच्चों यहाँ पे रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर दिया, रो 1 में रो 2 रो 3 ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। ऐड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है इसे, ठीक है। ऐड करने के बाद इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने के लिए column 2 में column 1 माइनस कर दिया, column 3 में column 1 माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। मैंने देखा 1 - x इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो फिर से सेकेंड कॉलम में से और थर्ड कॉलम में से 1 - x कॉमन ले लिया, ओपन कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बचे हुए जो भी क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 5.2 के, सॉरी 5.2 नहीं, जो भी है शायद 4.2 है, तो वो एक्सरसाइज ये आज की कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रेस्ट जो है कल अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।